गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक से होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने अपने फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन और आप लोगों को सिलेबस डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आपको पूरे साल में फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। इसके अलावा मैंने, अगर ये स्लाइड आप देखें, तो मैंने आपको ये बताने की भी कोशिश की थी एक इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट की थी, कि डोजेस फॉर्म क्या होती हैं। जैसे हम मेडिसिन तो जानते हैं कि मेडिसिन होती है, बट मेडिसिन के अंदर जो हम, क्योंकि आप फार्मेसी के बंदे हैं, हम इस फार्मेसी ब्रांच से जुड़े रहेंगे, तो हम मेडिसिन ना बोल के उसको डोजेस फॉर्म बोल सकते हैं। डोजेस फॉर्म किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक एपीआई और एक एक्सिपिएंट। फिर हमें ये भी पता चला जब हम लोगों ने डिस्कस किया कि एपीआई यानी कि उसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, या दूसरे फॉर्म में इसको ड्रग कहते हैं। दूसरा, हमने ये भी पता लगाया कि एक्सिपिएंट क्या होते हैं, इनके होने या ना होने से किसी डोजेस फॉर्म के निर्माण में क्या दिक्कतें और क्या फ़ायदे, सब कुछ हमने पता करने की कोशिश की अपने प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि यार, हम लोग डायरेक्टली ड्रग को क्यों नहीं यूज़ कर लेते, क्योंकि मेन तो दवाई ही है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है ना, तो हम उसको क्यों नहीं यूज़ कर लेते, हम क्यों डोजेस फॉर्म बनाए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कई पॉइंट्स को उठाया, डिस्कस किया। हमें तब जाके ये पता चला कि अगर आपको ढंग से अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट अगर चाहिए शरीर के अंदर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अलग अलग डोजेस फॉर्म का निर्माण किया जाए। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि डोजेस फॉर्म की नीड क्यों है, क्यों टैबलेट है, टैबलेट से ही लोग क्यों नहीं सेटिस्फाई हो जाते, क्यों कैप्सूल का निर्माण किया गया, क्यों कैप्सूल की जगह पर हम सीरप का निर्माण कर रहे हैं, क्यों इंजेक्शंस लगा रहे हैं, है ना। हम लोगों ने डोजेस फॉर्म्स के बारे में कुछ एडवांटेजेस भी डिस्कस किए। और लास्ट में जब मैंने अपना लेक्चर जो प्रीवियस कंप्लीट किया था, तब मैंने आपको ये भी बताया कि डोजेस फॉर्म को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म, दूसरा होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म, और तीसरा होता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया केवल एक फ्लो चार्ट के हिसाब से, कि उसके अंदर आ जाते हैं टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स, पाउडर, ठीक है ना, डस्टिंग पाउडर्स। इसी तरीके से लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने ये भी कैटेगराइज किया कि ये दो तरीके की होती हैं, बाईफेजिक, मोनोफेजिक। बाईफेजिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इमल्शन और सस्पेंशन आते हैं। मोनोफेजिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, वो किस रूट से दिया जाएगा, उसके हिसाब से उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला कहा गया इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर यानी कि ओरल रूट, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर से हम ले रहे हैं, जिसको लिक्विड डोजेस फॉर्म को, उसके अंदर नाम से ही समझ में आ रहा है। एग्जांपल भी आप देख लीजिए, पहले भी बता चुका हूँ, सिरप, एलिक्सर, लिंक्टसिस, ड्रॉप्स। इसमें से सिरप और ड्रॉप के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा है। कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, जिन लोग के लिए फार्मेसी ब्रांच बिल्कुल नहीं है, कि एलिक्सर और लिंक्टसिस क्या होते हैं। ये हम लोग अभी जब धीरे धीरे कैटेगरी के हिसाब से आगे लेक्चर अपने कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आप लोगों को एक्यूरेट डेफिनेशन में बताता रहूँगा अपने लेक्चर में। फिर इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि एक्सटर्नल फेज में क्या होता है, लिनिमेंट, लोशन, गार्गल्स, थ्रॉट पेंट्स, माउथ वॉश, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप। ऑलमोस्ट आप लोग, सब लोगों ने इसके बारे में कुछ ना कुछ सुन रखा होगा, बस इसको आगे डिफाइन करना है। हम लोगों ने इसके बारे में ये बात भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा। लास्ट में हम लोग पहुंचे अपने लेक्चर के सबसे लास्ट की कड़ी में, कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर हमने उनको कैसे डिवाइड किया। तो सेम उसको भी इंटरनल और एक्सटर्नल के तौर पर भेजा। इंटरनल के अंदर सपोस्ट्रीज और पेसरीज, ये दोनों टॉपिक आपके लिए थोड़े से नए हैं, कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी इसके बारे में नहीं जानते। तो जब हम सेमी सॉलिड का जब अपना लेक्चर बनाएंगे, तब इनको आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली में होती क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। एक्सटर्नल में आप लोगों ने देखा फिर ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, तो ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी रखा है, थोड़ा बहुत जानते भी हैं इनके बारे में, आप सभी लोगों ने इसको यूज़ में भी लाया हुआ है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड में डोजेस फॉर्म को डिवाइड किया। यहाँ तक मैंने आपका लेक्चर लिया था।
अब आज मैं जो आप लोगों को जो अपना सेकंड लेक्चर जो दिखाना चाह रहा हूँ वो हम बात करेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में कि सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। फिर इसके अलग अलग एग्जाम्पल को थोड़ा 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 हम डिफाइन करेंगे ताकि आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं और उनकी एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है एक फार्मास्यूटिकल टर्म में, ताकि आप लोगों को भी समझा सकें। ओके, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म्स आर अवेलेबल मोस्टली इन यूनिट डोजेस फॉर्म। तो जैसा कि लाइन में लिखा हुआ है, ये लाइन ये बता रही है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म्स जो मोस्टली जो अवेलेबल होते हैं वो यूनिट डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। यूनिट मीन्स सिंगल, एक सिंगल यूनिट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, सम सॉलिड्स आर पैक्ड एंड सप्लाइड इन बल्क। इसके अलावा जो कई और सॉलिड होते हैं उनको हम जो उनकी जो पैकिंग होती है या उनकी जो सप्लाई की जाती है वो बल्क में इकट्ठा गट्ठर के फॉर्म में की जाती है, बहुत सारी चीज़ों में की जाती है, ठीक है ना। द बल्क फॉर्म्स मीन्ट फॉर इंटरनल यूज आर सप्लाइड आइदर एज ग्रेन्यूल्स और फाइन पाउडर। अगर इन सॉलिड को आप बल्क के फॉर्म में अगर यूज़ में लाएं और खासकर इंटरनल फॉर्म में, तो कैसे ला सकते हैं, या तो उनको आप ग्रैन्यूल्स बना लीजिए, ग्रैन्यूल्स मीन्स दाने, छोटे छोटे दाने, या फिर फाइन पाउडर। आपको भी पता है या नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब किसी टैबलेट का या कैप्सूल का निर्माण होता है, पहले तो फिलहाल हम बात करते हैं टैबलेट की, क्योंकि टैबलेट एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म का। तो टैबलेट कैसे बनती है, अगर आप पाउडर को एक्सीपिएंट में मिला के सीधे अगर आप टैबलेट पंचिंग मशीन में डालेंगे तो टैबलेट का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। तो तरीका क्या है कि आप जो भी आपका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसकी आपको डोजेस फॉर्म बनानी है, उसको एक्सीपिएंट के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप उसको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस कर पाना आसान होता है, तो जब आप उन ग्रैन्यूल्स को टैबलेट पंचिंग मशीन, ये टैबलेट पंचिंग मशीन एक्चुअली में टैबलेट बनाने के लिए यूज़ की जाती है, अगर आप उसमें डालेंगे तो आपकी जो टैबलेट है वो यूनिफॉर्मली अच्छे से बन के आएगी, वो डाई और पंचेज के बीच में नहीं चिपकेगी। तो यही बात कहना चाह रहा है कि अगर आपको बल्क में बनाना है, यानी बहुत सारा निर्माण करना है दवाइयों का डोजेस फॉर्म का, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर टैबलेट, तो उनकी जो सप्लाई की जाती है वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में या फाइन पाउडर के फॉर्म में ही करनी होती है या पॉसिबल है। और चौथा पॉइंट देख लीजिए, द बल्क पाउडर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज। जो बल्क में अगर आप पाउडर को अगर आपको यूज में लाना हो सॉलिड फॉर्म के उसमें, तो वो एक्सटर्नल यूज के लिए, यानी बाहरी तौर पर, इन आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहरी अंगों पर, जैसे यूजेस के फॉर्म में दिखा रहा है, डस्टिंग पाउडर, इंसफोलेशंस, स्नफ्स एंड टूथ पाउडर। तो ये आप आउटसाइड द बॉडी अप्लाई करते हैं। तो अब आपने इस पूरे उसमें एक सॉलिड डोजेस फॉर्म में एक बात समझ ली कि सॉलिड डोजेस फॉर्म नॉर्मली जो अवेलेबल होती है वो यूनिट डोजेस फॉर्म यानी एक सिंगल प्रिपरेशन में अवेलेबल होती हैं। अगर ये कुछ, मतलब मान के चलिए कि कुछ जो डोजेस फॉर्म होती हैं जो सॉलिड के अंदर आती हैं वो बल्क में अवेलेबल होती हैं, अगर होती हैं बल्क के अंदर तो वो फाइन पाउडर या ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। अगर वो बल्क पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं तो वो किस तरीके से यूज़ की जा सकती हैं, एक्सटर्नल रूट यानी आउटसाइड द बॉडी। और एग्जाम्पल बता दिया गया, डस्टिंग पाउडर जिसको हम छिड़क सकते हैं, डस्टिंग पाउडर, इंसफोलेशन, स्नफ्स, आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं एक्चुअल डेफिनेशन, टूथ पाउडर, बहुत से लोग, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि टूथ पाउडर कैसा होता है, कैसे दिखने में, तो एक्सटर्नल पार्ट यानी टीथ पे, आप इसको ले तो नहीं रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, तो आउटसाइड द बॉडी यानी एक्सटर्नल रूट। ओके, ये देखिए, ये फिगर मैंने बताने की कोशिश की है कि टैबलेट कैसे दिखती हैं। पहले देख लीजिए, टैबलेट्स एक यूनिफॉर्म शेप है, देन फिर कैप्सूल, फिर लोजेंजेस। लोजेंजेस एक एग्जांपल देता हूँ, आप सभी लोगों ने स्ट्रेप्सिल या विक्स खा रखी है,
ये एक कॉमन एग्जाम्पल होता है लोजेंजेस का। इन चीजों को लेने, ये एक कैंडी के फॉर्म में, एक टॉफी के फॉर्म में अवेलेबल होती है, और इनको लेने के लिए आपको पानी की जरूरत नहीं होती। इंटरनल रूट से, ओरल रूट से ली जाती है लोजेंजेस, ठीक है ना। फिर चौथा पिल्स। पिल्स एक्चुअली में एक टैबलेट का फॉर्म ही होता है, लेकिन ये टैबलेट की कंपैरिजन में छोटी होती हैं। पिल्स छोटी होती हैं साइज में, और टैबलेट अलग अलग साइज के हिसाब से होती हैं। ओके, पिल्स। फिर पेस्टिल्स, ये भी एक कैंडी के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ग्रैन्यूल्स देख लीजिए, दानेदार। फिर डेंट्रीफाइजेस। डेंट्रीफाइजेस का मतलब है वो केमिकल एजेंट्स जिनको आप अपने टूथ पे, टीथ पे अप्लाई करें, दांतों के लिए और एक्सटर्नल रूट, उनको डेंट्रिफाइजेस कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर आप फोटो पे देख पा रहे होंगे, कोलगेट दिखाया गया है, तो समझ जाइए इस बात से कि डेंट्रिफाइजेस क्या होते हैं। फिर डस्टिंग पाउडर, चाहे बच्चों के लिए जॉनसन बेबी पाउडर, हमारे लिए नाइसिल, या अगर किसी एंटी फंगल पाउडर के लिए कैंडिड बी, ये सारे के सारे क्या हैं, डस्टिंग पाउडर और स्नफ्स। तो ये ओवरऑल जो ये टैबलेट, कैप्सूल, लोजेंजेस, पिल्स, पेस्टिसिल्स, ग्रैन्यूल्स, डेंट्रिफाइज, डस्टिंग पाउडर, स्नफ, ये जो दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म के। आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे कि अगर आप कैटेगराइज करिए कि सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि टैबलेट, कैप्सूल, लोजेंजेस, पिल्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब सॉलिड डोजेस फॉर्म में जैसे हम लोगों ने पहले फिगर आउट किया कि टैबलेट, तो आज हम डिफाइन करते हैं कि टैबलेट क्या होती है। तो टैबलेट के बारे में देख लीजिए, दे आर यूनिट डोजेस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड सुटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट। अपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी डोजेस फॉर्म का निर्माण दो चीजों से होता है, पहला एपीआई और दूसरा एक्सिपिएंट। तो उसी तरीके से ये लाइन बता रहा है कि टैबलेट एक यूनिट डोजेस फॉर्म, एक सिंगल डोजेस फॉर्म में आती है, जो कि दो चीजों से मेन बनती है। पहला होता है आपका एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा उसको कॉम्पेटेबल होने वाले अदर अदर फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट। दूसरी लाइन देखिए, दे मे वेरी इन साइज, शेप, हार्डनेस, थिकनेस, वेट, डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन अदर एस्पेक्ट्स। टैबलेट मतलब ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि टैबलेट अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, हार्डनेस के अकॉर्डिंग, थिकनेस के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, डिसइंटीग्रेशन मीन्स टूटने के अकॉर्डिंग, और डिजोल्यूशन घुलने के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से अवेलेबल उनको, या हम अलग अलग उनको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैप्सूल्स की, कि कैप्सूल क्या होते हैं। कैप्सूल ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म का। तो कैप्सूल आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म्स इन विच वन और मोर मेडिकामेंट एनक्लोज्ड विद इन ए शेल। एक्चुअली में होता क्या है कि एक शेल होती है, शेल मतलब एक आउटर कवर होता है, एक आउटर कवर होता है, और ये जो आउटर कवर होता है कैप्सूल का, ये बना होता है जेलेटिन से। जेलेटिन, जेलेटिन एक तरीके का पॉलीमर समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये जेल प्लस कोलेजन, ये जो आपकी जो काफ स्किन होती है, काफ, ओके, काफ मीन्स थोड़ा सा मेरी बात से कुछ लोग अटपटा महसूस करें, बट जो काऊ की जो स्किन होती है या एनिमल जो स्किन होती है, एनिमल के जो बोन होते हैं, कोलेजन फाइबर्स जो निकलता है, उनको हम रिएक्शन करा के आप उससे और उसको एक जेल के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इस जेलेटिन का निर्माण करते हैं। तो जेलेटिन इज ए कोलेजन एक्चुअली में, ओके, ठीक है। तो ये एक शेल होती है, हम इस जेलेटिन जो होता है, जो हमारा पॉलीमर होता है, हम उस जेलेटिन को एक ऐसे फॉर्म में लेके आते हैं कि उसके अंदर हम एपीआई और एक्सिपिएंट को फिल कर देते हैं, भर देते हैं, और उसकी फिर क्या हम कर देते हैं, उसकी सीलिंग कर देते हैं। तो इस यही लाइन बताने की कोशिश की जा रही है कि कैप्सूल आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म इन विच
वन और मोर मेडिकामेंट एनक्लोज्ड विद इन ए शेल। तो मेरी लाइन से अब आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि एक शेल होती है जो जेलेटिन से बनी होती है, और इसके अंदर ही एपीआई और एक्सिपिएंट का मिक्सअप जो होता है हम उसको भर देते हैं। अब कैप्सूल दो तरीके के होते हैं, उनको फर्दर कैटेगराइज अगर किया जाए तो है तो यूनिडोजेस फॉर्म, एक ही तरीके का दिखने वाला, लेकिन दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कहते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और दूसरा कहते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। अब जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर आप क्या क्या चीज़ें भर सकते हैं? पाउडर, ग्रैन्यूल्स, बीड और टैबलेट। टैबलेट को पीस के क्रंचिंग फॉर्म में या छोटे फॉर्म में आप उनको हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में भर सकते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, अगर कुछ लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और उन्होंने देखा होगा तो विटामिन ए के या विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, और आपने ये टच करके भी देखा होगा उनके अंदर लिक्विड भरी होती है। तो जिन कैप्सूल के अंदर लिक्विड भरी होती है उनको हम कहते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, और जिनके अंदर पाउडर भरा होता है वो होते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। अब जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उनके अंदर क्या हो सकता है? लिक्विड और सेमी सॉलिड, मल्टीविटामिन के कैप्सूल जितने भी होते हैं, ये एक एग्जाम्पल है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के। तो ये डेफिनेशन थी कैप्सूल्स की। और आज के लेक्चर का जो लास्ट मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है पिल्स। पिल्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये भी एक टैबलेट के फॉर्म में ही होते हैं, बट एज कंपैरिजन टू टैबलेट ये छोटी होती हैं साइज में। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, दीज आर स्मॉल, छोटी होती हैं, राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। ये साइज में स्मॉल होती हैं, शेप में राउंड के फॉर्म में होती हैं, और ओरल यूज यानी कि माउथ के रूट से ही यूज की जाती हैं। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, द मेडिकामेंट आर मिक्सड विद एक्सीपियंट्स टू फॉर्म ए फर्म प्लास्टिक मास। इसमें होता क्या है कि इसमें दवाई जो एपीआई होता है उसको मिक्स किया जाता है एक्सीपिएंट के फॉर्म में, और एक प्लास्टिक का मास बना दिया जाता है। एक ऐसा लगता है कि जैसे एक प्लास्टिक का मास बन गया हो। अब ये मास के बारे में देख लीजिए, थर्ड पॉइंट, द मास इज रोल्ड टू यूनिफॉर्म पिल पाइप। इसको रोलिंग करवाई जाती है इसको एक पिल पाइप में, ठीक है, यूनिफॉर्मली बराबर, ठीक है, विच कट इंटू नंबर ऑफ यूनिफॉर्म पिल्स, जिसकी वजह से वो जो पाइप होता है उसके अंदर अलग अलग कटर होते हैं जिससे छोटी छोटी पिल्स कट के निकल गई होती हैं, उनका निर्माण होता है। और लास्ट पॉइंट, द पिल्स आर स्फेरिकल इन शेप, ये नॉर्मली राउंड सर्कुलर स्फेरिकल इन शेप होती हैं, एंड प्रोड्यूस बाई रोलिंग दैम अंडर वुडन पिल राउंडर। ये जो वुडन पिल राउंडर है ये एक तरीके का इक्विपमेंट है, मशीन है, जिसके अंदर कटिंग करके ये सर्कुलर पिल्स का निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो बात करेंगे लोजेंजेस, उसके बाद पेस्टिसिल्स, फिर पाउडर, ठीक है ना? अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर जरा सा भी समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी अगर आपको लग रही हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, या मुझे और कुछ तरीके से अगर आपको समझाने की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, गूगल क्लासरूम में जाके बात कर सकते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम टू टाइम नोट्स बनाते रहिए, आप लोग को भी सहूलियत होगी, मुझे भी पढ़ाने में और आसानी रहेगी, और एडवांस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मुझे आपका सहयोग मिलेगा और आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा, इसी बात की उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।